सब तो पहला सारे रल के फतेह दी सांझ पांदे आ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु दशमेश बागी, नलुआ वीर बागी, साडा बागी है पंथ परिवार लोको, साडा खून बागी, साडी जात बागी, ते साडा बागिया नाल विहार लोको। बागी ना साडा जम्मे बागिया दे, ते साडा बागिया नाल प्यार लोको। भगत सिंह बागी, उत्तम सिंह बागी, ते साडा बागी है सराबा करतार लोको। अज पंजाब दी इस बगावत नू देख के सरकार दी नींद हराम हुई है। कुछ लोग कहंदे ने कि सरकार नू कोई फर्क नहीं पिया, पर मैनू लगदा है कि सरकार नू फर्क पिया है। तां ही तां इस संघर्ष नू कमजोर करन दे लई पंजाब विच आउण वालियां सारियां ट्रेनां रोक दित्तियां जांदियां ने। पिंड विच जाण वाला 700 करोड़ दा विकास फंड भी रोक दित्ता जांदा है। कदे किसे पिंड विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बेअदबी हुंदी है, कदे किसे बीजेपी दे लीडर दी गड्डी पन्नी जांदी है, ते कदे दलितां दे हक विच रैली कड्डी जांदी है। जे नहीं भी करे दलितां दा तां पहला उहनां नूं दलित कहना बंद करो। यूपी विच उठाओ उहनां दे हक विच आवाज, दियो इंसाफ भैण मनीषा नूं, क्यों नहीं दिंदे? खोलो सारे मंदिरां दे दरवाजे उहनां लई, क्यों नहीं उहनां खिलाफ कार्रवाई करदे जिहड़े कहिंदे ने कि उहनां नूं मुच्छां रखण ते घोड़ी चढ़न दा कोई हक नहीं? थोड़ा एक लीडर कहिंदा है कि ठाकुरां दा खून गर्म हुंदा है। जे ठाकुरां दा खून इन्ना ही गर्म हुंदा है तां भेजो उहनां नूं चाइना दे बॉर्डर ते, क्यों नहीं भेजदे? तुसीं सानूं कदे हुल्लड़बाज कहिंदे हो ते कदे दलाल कहिंदे हो। मोदी साहब कहिंदे ने कि किसान खुश है, जे किसान खुश है तां आओ होवो शरीक साडियां खुशियां च, क्यों नहीं आउंदे ते साडे नाल गल करदे? तुसीं अपने मन की बात रेडियो ते करदे हो, ते जेड़े लखां लोग तुहाडे नाल अपने मन की बात करना चाहुंदे ने उहनां दी गल कौन सुणू? तुसीं यूट्यूब ते डिसलाइक दा ऑप्शन हटा दिंदे हो। तुसीं कहिंदे हो तुसीं बहुत विकास कीता है, जे तुसीं इन्ना ही विकास कीता है फिर सवालां तों क्यों भजदे हो? तुसीं अक्षय कुमार नूं इंटरव्यू दिंदे हो, कदे रविश कुमार नूं भी इंटरव्यू दे के देखो, जां डरदे हो उहनां दे सवालां तों? थोड़े तां मंत्री भी अर्थव्यवस्था दे नां दे सवालां ते चुप कर जांदे ने। मैनूं लगदा है थोनूं राज करना नहीं आउंदा। जे राज करना सीखना है तां सीखो खालसे तों। राज कीता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, राज कीता सी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। उहनूं कहिंदे लोकां दा राज। लोकां नूं जातां पातां ते धर्मां दे नां ते लड़ा के राज नहीं हुंदे, उह सियासत हुंदी है। मैं थोनूं कहिंदी हां कि तुसीं 10 साल लई राज खालसे दे हथ विच दे दिओ, थोनूं चीन तों तिब्बत वी लै के दिखा देंगे। असीं चरखे वाले नहीं, चरखड़ियां वाले हां। ये जो साडे सिर ते पग्गां ने ना, उह एवें नहीं मिलियां सानूं, बहुत कुर्बानियां करके मिलियां ने। सत श्री अकाल। कहिंदे जी कि तकलीफां किन्नियां झल्लियां दस्तारां नूं पता, मिलियां ने किन्नियां महंगियां सरदारां नूं पता। पग कोई कपड़ा नहीं, इज्जत है साडी इज्जत। जदों भी कोई कुड़ी अपने घर तों बाहर जांदी है तां उसदे प्यो दी पग उसदे नाल नाल जांदी है। वेखिए कदे पग्गां तों चुन्नियां दी सेल। पग कली भी है, पग फौज भी है, पग नितरे मन दी मौज भी है, पग सफर भी है, जफर भी है, गीत भी है, पग नजर भी है, पग नीत भी है। पग तिड़कदे थिड़कदे नेत्रां चो उठदी इक रूहानी तान भी है, पग तेग भी है, पग तेग भी है, पग धरत भी है, पग आसमान भी है। पर अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि असीं अपने घरां विच भी पग नूं संभाल नहीं पा रहे हां। दरबार साहिब विच असीं तीजे दिन पग दी बेअदबी करदे हां। असीं तलवारां चलाउंदे हां ते इक दूजे दीआं पग्गां उछालदे हां। असीं अपनी धी नूं समझांदे हां कि धीए साडी पग नूं कदे दाग ना लाईं, ते ओही पग बन के दूजिआं दीआं धीआं भैणां बारे गलत बोलदे हां। ओही पग बन के असीं कुड़ी वाले तों दाज लैंदे हां। जे साडा कोई भरा पग बन के किसी कुड़ी बारे गलत कमेंट करे तो उसनू जाके कहो कि जा ता पग ला दे जा सोच बदल ले, क्योंकि गुरु साहिब ने सानू ये पग इज्जतां दी राखी करन वास्ते दित्ती है, इज्जतां उछालन वास्ते नहीं दित्ती।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਡੇਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਰੇ ਰੰਬੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲੇ ਚਰਖੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਦੇ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਰੁਸੀਆਂ ਰੁਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਹਲੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।